We had lots and lots going on in this match between Lake City Panthers and when Hasnain came in, he got 5 wickets. We'll talk more about this match with Shah Faisal as usual. And then again, we have the player of the match with us, Hasnain. Hasnain, pehle aapki taraf aungi. 5 wickets aaj hasil kiye hain. Second aapka 5 for your stay ka. क्या कहेंगे इसके बारे में? जी, सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगा, और जिस तरह मैंने आज बॉलिंग की है, और अच्छी बॉलिंग करना ऐसा ही है कि आप टीम के लिए बॉलिंग करना और आपको आपने टीम को जितवाना, तो मेरी कोशिश यही थी कि जितना अच्छा हमारे बैट्समैन खेले और जितनी अच्छी उन्होंने बैटिंग की है, एक अच्छा टारगेट सेट करके दिया था बॉलिंग डिपार्टमेंट को, तो यही कोशिश थी कि हमारी हम इनको आउट करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कैप्टन से बोल रहा था कि मुझे बॉलिंग दो और मैंने बॉलिंग करनी है, और जिस तरह कैप्टन ने मेरा साथ दिया, जिस तरह मुझे उसने बैक किया है पीछे से, और हम काफ़ी डिस्कस कर रहे थे कि बॉलिंग किस तरह करनी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह हमने बॉलिंग की और 5 विकेट्स मिली है। और हसनैन, इस विकेट पे जब पार्टनरशिप लग रही थी तो रन्स आ रहे थे, और जब भी आपने विकेट्स ली क्रूशल स्टेजेस पे, पार्टनरशिप को आपने ब्रेक किया, पहले सऊद को और फिर कासिम अकरम को, उसके पीछे क्या थिंकिंग थी? आपने रियलाइज़ किया कि यही मोमेंट है, यहाँ पर स्ट्राइक करना है? जी बिल्कुल, देखें जब पार्टनरशिप लगती है तो आप सबसे पहले अपने अटैकिंग बॉलर को यूज़ करते हैं, तो कैप्टन ने मुझे जिस टाइम पार्टनरशिप लगी तो कैप्टन का फोकस यही था कि मुझे बॉलिंग पे लाया है, और मुझसे उसने यही कहा कि हमें आउट चाहिए, तो डजंट मैटर कि आपको अगर रन्स पड़ रहे, क्योंकि आपने जब आउट पे जाएंगे आपको रन्स पड़ते हैं, तो हमारा फोकस यही था कि हम आउट करें। और आपका रिदम जो है वो ग्रेजुअली बहुत बेहतर नज़र आ रहा है। आज तो चलो इवनिंग में थी, थोड़ा मौसम भी कदरे बेहतर था, पहले मैच में तो काफ़ी गर्मी थी। कुछ अपनी बॉडी कंडीशनिंग के बारे में बताइए, फिटनेस पे आपने काफ़ी काम किया है, कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा सीज़न है आगे? जी बिल्कुल, देखे मैं अभी रिसेंटली काफ़ी मैंने फ़िटनेस पर काम किया, और मैंने इंग्लैंड में मैं काम कर रहा था बॉलिंग पर, तो काफ़ी मैंने वहाँ ट्रेनिंग भी की है और बॉलिंग पर भी काफ़ी काम किया है वहाँ पर स्पीड कैंप में मैंने यूके में, और ज़ाहिर इसके लिए मेरा फोकस था कि मैं पाकिस्तान जाऊं, डोमेस्टिक खेलूं और डोमेस्टिक खेल के परफॉर्म करूं और टीम में कमबैक करूं, तो जिस तरह मैंने सोचा था उसी तरह मेरी बॉडी भी मुझे सपोर्ट कर रही है, और उसी तरह मैं परफॉर्म भी कर रहा हूं, बॉलिंग भी अच्छी कर रहा हूं, और रिदम में भी काफ़ी लग रहा हूँ। हसन, हमने आपको काफ़ी देखा है T20 फ्रेंचाइज क्रिकेट में परफॉर्म करते हुए, T20s में परफॉर्म करते हुए, लिस्ट ए के बारे में क्या ख्याल है, खेलना चाहेंगे आगे इसमें? हाँ बिल्कुल, मुझे अगर चांस मिलता है और मैं बिल्कुल खेलना चाहूँगा। मेरा फोकस है कि मैं रेड बॉल क्रिकेट में आऊँ, और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, जिस तरह भी ये वनडे के बाद 4 डे स्टार्ट होंगे, तो मेरा फोकस है कि मैं सारे 4 डे खेलूँ और रेड बॉल के लिए भी खेलूँ। हमने अभी फिटनेस के बारे में शाह फैसल ने आपसे बात की, हम अभी इससे पहले भी आपकी रिकवरी के बारे में बात कर रहे थे, अपनी रिहैब के बारे में थोड़ा सा बताएं, आपने अपने स्टाइल पर काफ़ी काम किया है। हाँ जी बिल्कुल, अभी मैं रिसेंटली श्रीलंका में लीग खेल रहा था, उसके बाद मेरे पास गैप आया था 1.5 महीने का, तो मैं इंग्लैंड चला गया, वहाँ पर मैंने अपनी बॉलिंग पे काम किया है, अपना रन अप सेट किया, अपना एक्शन पे काम किया है, और साथ में बॉडी पे भी, फिटनेस पे भी काम किया है, तो वहाँ मैंने 1.5 महीना वर्क करके फिर मैं यहाँ पर आया हूँ, तो रिज़ल्ट उसका नज़र आ रहा है कि मैं काफ़ी रिदम में और काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ। और जिस तरह आपने अभी बात की, आपने सिर्फ 27 लिस्ट ए के मैचेस खेले हुए हैं, आप काफ़ी अरसे से 2019 के वर्ल्ड कप में भी हिस्सा थे, तो आपको ये लगा या ऐसा आपने सोचा इस लॉन्ग ले ऑफ में कि जो बैलेंस ऑफ क्रिकेट है कि आप बहुत ज़्यादा T20 खेल रही है बनिस्बत जो लॉन्गर फॉर्मेट जो कि स्किल डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, आप इस चीज़ से एग्री करेंगे? जी बिल्कुल, देखें T20 मेरी चॉइस नहीं है, मुझे जो क्रिकेट मिलती है मैं खेलता हूँ एज अ प्लेयर, ठीक है, तो अभी मेरे पास अपॉर्चुनिटी है रेड बॉल की, तो अगर आप जितने ज़्यादा रेड बॉल के मैचेस खेल सकते हो वो हेल्प करती है आपकी T20 में और ODI में, तो मेरी कोशिश यही है कि इस बार ये पूरा सीज़न है मेरे सामने और मैं सारे मैचेस खेलूँ। आज आपने बहुत अच्छी बॉलिंग की और वी वर थ्रिल टू वॉच यू, ऑल द बेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द सीज़न। हसनैन, आपने यहाँ पे हम लोग ने बहुत सारी आपसे बातें की, लेकिन मैं थोड़ी सी आपसे और बात करना चाहूँगी यंगस्टर्स के बारे में, आप खुद भी यंग हैं, ये चैंपियंस कप है, टाउन चैंपियंस कप जो चल रहा है, इसमें यंगस्टर्स के लिए कितना अच्छा ये प्लेटफॉर्म है, जैसे आप हैं और आपके साथ और भी लोग हैं? जी बिल्कुल, देखिए यंगस्टर के लिए तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, क्योंकि हमारी टीम में भी ज़्यादातर यंगस्टर है पैंथर्स की टीम में, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी उनके सामने, लाइव मैचेज़ हैं, और जब मैं भी क्रिकेट में आया तो मैं हमेशा से ख्वाहिश रखता था कि मुझे एक लाइव मैच मिले और मैं परफॉर्म करूं और टीम में आऊं, तो यंगस्टर के लिए यही है कि सारी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आए अपनी स्किल्स दिखाएं, परफॉर्म करें और
टीम में आ सकते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। थैंक यू सो मच हसनैन फॉर बीइंग हियर विद अस, कांग्रेचुलेशंस अगेन ऑन द प्लेयर ऑफ द मैच एंड द मैच एज़ वेल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू शाह फैसल आल्सो फॉर बीइंग हियर विद अस। यू वेलकम। बट देन नाउ वी हैव हैड ऑल द टीम्स प्ले at least one of their matches, so now we have the points table with us and we'll take you through that. Like we saw UMT Marcos perform brilliantly, they're up with 14 points. Then Allied Bank Stallions on number 2 again with 14 points, and we'll see them perform tomorrow as well. Then Lake City Panthers, we have they performed today, won the game today with 11 points. Dolphins couldn't win a match today, so they have no points. And then again, Nupu Lions with none on the board. This was the summary of this whole tournament till now. But tomorrow, we have another match lined up for you at 3 p.m. live from Iqbal Stadium, Faisalabad. And Mohammad Rizwan will be locking horns with Mohammad Haris. So we'll see you tomorrow for the match between UMT Marcos and Allied Bank Stallions. So don't forget to tune in. But until then, it's goodbye.